नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसएससी ट्रेक। ये है करंट अफेयर्स जनवरी मंथ का पार्ट 5 और यहाँ पर भी हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2018 का आयोजन किया गया। तो केरल में अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये जो सारे क्वेश्चन है, जो आप वन लाइनर जो भी एग्जाम देते हो जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सीजीएल, उसके बाद आरआरबी, रेलवे और UP SSSC वीडियो, ये सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन, किस हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को दलित शब्द इस्तेमाल नहीं करने का निर्देश दिया है। ठीक है, दलित शब्द को इस्तेमाल नहीं करना है, तो हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निर्देश दिया है। तो ये कौन सा हाई कोर्ट है? मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेन 18 और ट्रेन 20 किस देश में स्टार्ट होने वाला हाई स्पीड ट्रेन है? तो कौन सा देश है वो? भारत। भारत में स्टार्ट होने वाला हाई स्पीड ट्रेन का नाम क्या है? ट्रेन 18 और ट्रेन 20। क्वेश्चन नंबर 4, केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चुने जाने वाले कुल शहरों की संख्या जनवरी 2018 में कितनी हो गई थी? तो टोटल 99 हो गई है अब तक स्मार्ट सिटी के अंदर। ओके, आप देख ही रहे होंगे ऑप्शन को राइट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2018 को केंद्र सरकार किस नाम से मनाने का निर्णय लिया है? तो बाजरा ईयर, ये जो अभी ईयर चल रहा है 2018, तो ये बाजरा ईयर है। क्वेश्चन नंबर 6, ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का पहला हिंदी शब्द हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2017 कौन सा बना है? तो जो आधार हम लोग यूज करते हैं एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, तो उसको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंक्लूड कर लिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में 1% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। यहाँ पर अनाथ बच्चों को सरकारी नौकरियों में 1% रिजर्वेशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री की आधिकारिक वेबसाइट मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पीएम इंडिया अब कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो टोटल कितने भाषाओं में उपलब्ध है? 13। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया का सबसे पहला रेडियो स्पोर्ट्स चैनल का नाम क्या है? तो स्पोर्ट्स फ्लैशेस। तो रेडियो स्पोर्ट्स चैनल का क्या नाम है? स्पोर्ट्स फ्लैशेस। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट फॉर टुडे इज, किस देश में महिलाओं को शराब खरीदने पर रोक लगा दी गई है? तो वो देश कौन सा है? भारत, सॉरी, श्रीलंका में अब महिलाएं शराब नहीं खरीद सकती। तो यही था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे से डाउनलोड कर लो, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दिया हूँ, या फिर अगर आपको ऑलरेडी ऐप डाउनलोड करके रखे हो तो आपको तो ये PDF मिल गया होगा। तो क्वेश्चन फॉर द डे इज, जो हम लोग दलित से रिलेटेड एक क्वेश्चन किए थे जहां पर सॉरी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मना कर दिया है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को यूज करने का, तो आपको ये बताना है कि जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, तो वो आर्टिकल का नंबर बताना है। ठीक है, नीचे कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा वो आर्टिकल नंबर है जिसके अंदर अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर दिया गया है। ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये आता है आर्टिकल। तो ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, हम लोग करेंगे अगले वीडियो में फरवरी का करेंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लेना, और अगर आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लो और हो सके तो शेयर कर दो। तो ऑल द बेस्ट, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टडी वेल।